अगर वो शौक इस एज में जब बच्चे 10th स्टैंडर्ड को पहुंच जाते हैं इस एज में इमोशन बहुत ज़्यादा आता है, इमोशन या ईगो कर रहे हैं, ईगो किसको बोलते हैं, ईगो मैंने लिए तो बहुत मैंने, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं दो तीन चीज़ें, एक बैड ईगो है, एक गुड ईगो, बैड ईगो गुड ईगो, लेकिन ईगो हर एक इंसान को होता है, पता है कि नहीं, इसको इमोशन भी कहते हैं, बैड इमोशन गुड इमोशन है, इमोशन आया ये करना है तो कर लेना इमोशन में जज्बाती, इसको तुम आप बोलेंगे जज्बाती इंसान, जज्बात में भी है इमोशन का हाई लेवल का हो गया है, तो इमोशन जो परफेक्ट होना चाहिए, जो गुड इमोशन है उसी को कवर करना चाहिए, बैड इमोशन जो है उसको उल्टा करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि बैड इमोशन है इमोशन, जैसे कि आप दोस्त हैं जा रहे हैं कहीं पे, पीछे आप आपस में बातें होते होते आप लड़ाई हो गई है और लड़ाई आगे तक बढ़ गई, इमोशनल आई इतना बढ़ गया कि जब आपकी दोस्त आ जाते हैं तो वो बैड इमोशन है, क्या वो बैड इमोशन है, आपके दोस्त ने कहा फला आदमी आपको गाली दिया है, चलो तुम हाँ चलो गाली देगा मेरे दोस्त को, चला गया वहाँ पर दोनों इमोशन में आके लड़ने लगे, झड़ने लगे, बैड इमोशन, लेकिन गुड इमोशन क्या है वहाँ पर, गुड इमोशन क्या है, फला जगह एक प्रोग्राम चल रहा है, एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है, चलो दोस्त वहाँ चलते हैं, गुड इमोशन का इमोशन ये हो गया, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है, पूरी हम चले सुनते हैं, गुड इमोशन है, फैमिली में भी एक इमोशन होता है, गुड और बैड इमोशन होता है, जितने भी बाप आपका ने आपको पैसा नहीं दिया, अरे बेटा पैसा नहीं है आज ही मांगा कल मांगा परसों मांगा, तीन दिन चार दिन पाँच दिन से पैसा नहीं दे रहा, आप इमोशनल हैं, हमारी बात आप सुनते ही नहीं, खाली बड़े भैया की बात सुनते हैं, सर उन्हीं को आप पैसा देते हैं, आप बिल्कुल इमोशनल हो गए ना, खा रहे ना पी रहे ना, कुछ बात सुना है कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा इमोशन नहीं है, बैड इमोशन है, करना चाहिए कि हमें पैसा नहीं हो सकता है या अगर हमको नहीं दे रहा है तो सकता है हमारे अंदर कुछ बैड थिंग्स है जिसकी वजह से बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से वो फिर नहीं जाता है फिर नहीं देता है, तो आपको अपने अंदर पहले सही कीजिए, अपनी कमी को सही कीजिए, देखिए आपका होता है आपकी बात मानेगा, बड़े भैया की बात मानता आपकी बात मानेगा, तो हमेशा गुड इमोशन को अपनाना चाहिए, बैड इमोशन को छोड़ना चाहिए, तो ये कहाँ कैसे फर्क कर रहा हूँ, ये कैसे आपको समझ में आएगा कि ये इमोशन गुड है ये इमोशन बैड है, परिस्थिति और हालात और सिचुएशन से आप खुद समझ सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपके सामने में बात रखी है आपके करियर के लिए और आपके गोल सेटिंग के लिए और आपके हॉबीज के लिए शायद आपको अच्छी लगी होगी, और इसके ऊपर आप एक्टिव होंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे और इसके ऊपर अपनी कोशिश करने के लिए कोशिश करना चाहेंगे करेंगे।